सुल्तानपुर में बल्दीराय थाना क्षेत्र के अशरफपुर गांव में बाइक सवारों ने पूर्व ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद हत्यारे मौके से भाग निकले। हत्या से नाराज ग्रामीणों ने अशरफपुर सैनी मार्ग जाम कर दिया। पुलिस ने शव ले जाने की कोशिश की तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। सुल्तानपुर में दोस्तपुर के गोसाईसिंहपुर बाजार में कारोबारी संतराम की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई। हत्यारों ने सुबह ही कारोबारी की हत्या करने का ऐलान बाजार में कर दिया था। वारदात को अंजाम देने के लिए रेकी कराई गई। इतना ही नहीं, कारोबारी को उसके घर से बुलाकर गोली मारी गई। सुल्तानपुर के दोस्तपुर में कारोबारी हत्याकांड के बाद गोसाईसिंहपुर बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। नाराज व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। बाजार में माहौल शांतिपूर्ण रहे इसके लिए पुलिस के साथ पीएससी के जवानों को भी लगा दिया गया। व्यापारी हत्यारोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद की मांग पर अड़े रहे। सुल्तानपुर में मुदगरपुर थाना क्षेत्र के कारोबारी हत्याकांड केस में लापरवाही बरतने पर मुदगरपुर थाना अध्यक्ष तरुण पटेल को निलंबित कर दिया गया। कारोबारी संतराम के बेटे राजेश के साथ सोमवार को मुदगरपुर के कालीगंज बाजार में मारपीट की कोशिश की गई थी। पुलिस को सूचना देने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसको लेकर पुलिसिंग में लापरवाही बरतने पर एसपी सोमेन वर्मा ने यशो तरुण पटेल को निलंबित कर दिया। सुल्तानपुर के लम्हुआ में नवरात्र के पहले दिन से दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू हो गया है। लगातार 7 दिनों से देवी भक्तों की भीड़ देवी पंडालों में शीश झुकाने पहुंच रही है। देवी प्रतिमाओं के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। बुलेटिन के प्रायोजक हैं सुल्तानपुर ट्रेवल्स। सुल्तानपुर से दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, लुधियाना, अम्बाला, चंडीगढ़, पानीपत, सोनीपत, नागपुर, बिलासपुर, जयपुर आने जाने वाले यात्री संपर्क करें।